हेलो दोस्तों, मैं कांचन फिर से आ चुका हूँ एशियन गेम्स का अपडेट लेकर। एशियन गेम्स का डे 4 का खेल समाप्त हो चुका है, तो चलिए देखते हैं दिन भर क्या क्या हुआ, कौन सा गेम में क्या क्या रिजल्ट आया है। तो शुरू करते हैं, तो पहले स्टार्ट करते हैं बास्केटबॉल से। बास्केटबॉल 3x3, मतलब बास्केटबॉल दो प्रकार का होता है, एक होता है 3x3 और एक होता है 7 जन का जो होता है नॉर्मल वाला। तो इंडिया का मेंस टीम बास्केटबॉल 3x3 में मैकाओ चाइना को 21-12 से हरा दिया है। उसके बाद इंडिया का वुमेन्स टीम 3x3 बास्केटबॉल इवेंट में 22-8 से हार गया है। और जो इंडिया का वुमेन्स टीम बास्केटबॉल 7x7 में 66-46 से इंडोनेशिया से जीत हासिल किया है। उसके बाद चलते हैं बॉक्सिंग पर। बॉक्सिंग में आज टोटल 3 बाउट था, जिनमें से 2 बाउट मेंस और 1 बाउट वुमेन्स का। तो दोनों बाउट जो मेंस का था, संसिबा थापा और संजीव दोनों ही राउंड ऑफ 16 मैच हार चुके हैं। और निखत जरीन, हमारा चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन, उन्होंने अपना राउंड ऑफ 16 मैच जीत लिया है और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। तो बॉक्सिंग में ओवरऑल डे इतना अच्छा नहीं गया है, 3 बाउट में से सिर्फ 1 जीत मिला है और 2 में हार मिला है। उसके बाद नज़र रखते हैं इक्विस्टियन पर। इक्विस्टियन में इंडिया का अच्छा प्रदर्शन बरकरार। कल इक्विस्टियन में हम लोग को एक गोल्ड मेडल मिला था। लास्ट 41 ईयर से कोई मेडल नहीं आता, लेकिन कल गोल्ड मेडल मिला। और आज दोनों पार्टिसिपेंट हृदय विपुल और अनुस दोनों ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक जो गेम हुआ है उसमें अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। कल जो होगा उसमें देखा जाएगा कि कल क्या मेडल ला पाते कि नहीं, लेकिन अभी तक के लिए हृदय विपुल और अनुस दोनों ही अच्छे पोजीशन पर है। हृदय विपुल टॉप पर और अनुस 4th पर। उसके बाद चलते हैं हैंडबॉल। वुमेन्स हैंडबॉल प्रीमियर राउंड में इंडिया ने हांगकॉन्ग के साथ मैच था और मैच ड्रॉ हुआ है 26-26 पॉइंट के साथ। उसके बाद हॉकी, आज वुमेन्स हॉकी का पहला मैच था। पहले तो मेन्स हॉकी दोनों मैच बहुत ही आसानी से जीत लिया। आज वुमेन्स हॉकी टीम ने भी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सिंगापुर के खिलाफ वुमेन्स हॉकी टीम ने 13-0 स्कोर से जीत हासिल किया है। नेक्स्ट इवेंट है सेलिंग इवेंट, जो इवेंट इस एशियन गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। सेलिंग में पहले ही 2 मेडल आ चुका है, आज और 1 मेडल आया है। सेलिंग में और 1 मेडल आया है आज, वो भी ब्रोंज के रूप में। सारावनन जी ने मेंस डिंगी में ब्रोंज मेडल हासिल किया। पहले वो 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज मेडल कल आ चुका था, आज और 1 मेडल आया, मतलब टोटल सेलिंग में 3 मेडल आ चुका है। तो सेलिंग टीम के बेहतरीन प्रदर्शन जारी एशियन गेम्स से। अब चलते हैं शूटिंग इवेंट पर। शूटिंग इवेंट, इस इवेंट ने तो कमाल करके रखा है इस एशियन गेम्स में। इस एशियन गेम्स में टोटल सेल शूटिंग में सब शूटर कमाल का प्रदर्शन कर रहा है। आज भी शूटिंग में कमाल का प्रदर्शन लगातार हुआ है। टोटल 7 मेडल आया है आज शूटिंग में। शूटिंग में पहले नज़र रखते हैं स्केट 50 टीम इवेंट में, जिसमें इंडिया को ब्रोंज मेडल मिला है स्केट 50 टीम इवेंट। उसके बाद चलते हैं 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट। 3 पोजीशन मतलब तीनों पोजीशन में होता है, प्रोन स्टैंडिंग एंड नीलिंग, 3 पोजीशन में शूट लेना होता है। इस 3 पोजीशन टीम इवेंट में इंडिया को सिल्वर मेडल मिला है। उसके बाद 25 मीटर पिस्तौल टीम वुमेन इवेंट में इंडिया को गोल्ड मेडल मिला है। गोल्ड मेडल 25 मीटर पिस्तौल टीम वुमेन इवेंट में। और उसके बाद 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन वोमेन जो सिंगल्स में होता है, वो समरा शिफ्ट कौर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड करके गोल्ड मेडल जीता है और आशी जी ब्रोंज मेडल जीती है। इसके बाद 25 मीटर पिस्तौल वोमेन्स इवेंट में ईशा सिंह ने सिल्वर जीता है और मानु भक्कर जो क्वालिफिकेशन राउंड में टॉप पे थे, लेकिन उसको डिसअपॉइंटमेंट मिला है क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा क्वालिफिकेशन स्कोर करने के बाद भी फाइनल में जाकर फिफ्थ आए हैं। और उसके बाद स्केट मेंस फिनाले, जिसमें हमारे अमनजीत सिंह पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो टोटल आज शूटिंग में 7 मेडल आ चुका है, तो बेहतरीन प्रदर्शन शूटर द्वारा। तो अभी तक इंडिया को शूटिंग इवेंट में
टोटल 12 मेडल मिल चुका है, जिनमें से 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 5 ब्रोंज। अब चलते हैं स्क्वाश पर। स्क्वाश का आज मेंस इवेंट और वुमेंस इवेंट दोनों ही था। मेंस टीम ने फर्स्ट मैच कुवैत के साथ 3-0 से जीता था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ 2-1 से हारा है। और वुमेंस टीम ने वुमेंस इंडियन टीम ने नेपाल को 3-0 से हराया है और मैकाओ चाइना को भी 3-0 से हराया है। अब चलते हैं टेबल टेनिस पर। टेबल टेनिस का आज मिक्स्ड डबल्स का मैच था, 2 मैच था, दोनों मैच ही इंडिया जीता है। फर्स्ट मैच जो मिक्स्ड सतियान और मनिका बात्रा का टीम थाईलैंड को 3-1 से हराया, और हरमीत देसाई और श्रीजा ओकुला की जोड़ी भी 3-0 से हराया है मैकाओ को। अब चलते हैं डिसअपॉइंटिंग इवेंट ऑफ द डे। सिर्फ डे नहीं, डिसअपॉइंटिंग इवेंट ऑफ द टूर्नामेंट, क्योंकि टेनिस लगातार खराब प्रदर्शन एशियन गेम में। आज भी टोटल टेनिस का टोटल 5 मैच हुआ था, जिनमें से मेंस क्वार्टर फाइनल सुमित चाइना के खिलाफ हरा है, सुमित नागल 2-1 से, और वुमेन्स क्वार्टर फाइनल अंकिता रायना भी जापान के खिलाफ हार चुकी है। और एक मैच आज जीता है मेंस डबल्स क्वार्टर फाइनल, जो इंडिया वर्सेस चाइना हुआ था, इंडिया जीता है मेंस डबल्स और सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, तो मतलब एक मेडल एश्योर हो चुका है। और एक मैच जीता है मिक्स डबल्स इंडिया वर्सेस जो जापान हुआ था, रोहन बोपन्ना और ऋतुजा की जोड़ी, वो थर्ड राउंड जीता है, तो नेक्स्ट राउंड में भी है। बाकी सब जो 3 मैच हुआ है, तीनों मैच ही इंडिया हारा है। तो मतलब टेनिस में ओवरऑल इंडिया का प्रदर्शन बहुत खराब हुआ है, सिर्फ एक मेडल कन्फर्म हुआ है और एक मेडल मिल सकता है। अब चलते हैं उसू इवेंट पर। उसू इवेंट का आज सेमीफाइनल था, वुमेन 60 kg सेमीफाइनल। रोसिबीना देवी वो सेमीफाइनल बाउट जीत चुकी है और इंडिया को एक मेडल कन्फर्म हो चुका है उसू में, तो कल इसका फाइनल होगा। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि रोसिबीना देवी उसू इवेंट में हम लोग को गोल्ड ला कर देंगे। तो आज का दिन मैं बोलूँगा इंडिया के लिए बहुत ही बढ़िया था, इंडिया का अभी तक का बेस्ट डे था आज का दिन। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कल भी इतना ही अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो यही था आज का दिन का पूरा अपडेट। इंडिया को टोटल अभी तक 22 मेडल मिल चुका है, जिनमें से 5 गोल्ड, 7 सिल्वर और 10 ब्रोंज। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात हुई लाइव स्ट्रीम पर। तो चलते हैं, अभी तक के लिए इतना ही। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स और थैंक यू।